प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा फर्स्ट ईयर विषय भूगोल प्रथम खंड अध्याय 3 के अंतर्गत जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप पढ़ रहे हैं, इसमें अगला पॉइंट है भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत। क्या है भूगोल की भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूगर्भ की किसकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत यानी जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, कुछ प्रत्यक्ष स्रोत है उसके बारे में इसको आपको बताया गया है। तो यहाँ आप जानने का प्रयास कीजिए कि पृथ्वी से सबसे आसानी से पृथ्वी के अंदर से सबसे आसानी से प्रत्यक्ष स्रोत के प्रमाण के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या है यानी ठोस पदार्थ जो है पृथ्वी के अंतर से कुछ प्रत्यक्ष जानकारी के रूप में यानी प्राप्त होते हैं। ये पदार्थ धरातलीय चट्टानें होती है, धरातल के अंदर से जो चट्टानें ऊपर आती है, यह जो चट्टानें होती है यह प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं यानी पृथ्वी के आंतरिक यानी भूगर्भ की जानकारी के साधन या प्रत्यक्ष होते हैं। तो यह धरातलीय चट्टानें होती है। क्या होती है धरातल के अंदर की ठोस चट्टानें होती है या वे चट्टानें हैं, कौन सी चट्टानें हैं या वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से जहां कोयले की खदान होती है, सोने की खदान होती है और इन खाद्यान्नों से जो चट्टानें खनन क्षेत्रों से किस क्षेत्रों से खनन क्षेत्रों से ये चट्टानें जो होती है यानी प्राप्त करते हैं हम लोग को प्राप्त होती है खनन क्षेत्रों में से प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में आप देख रहे हैं कि यह दक्षिणी जो अफ्रीका की सोने की खान है, जो दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खान है वह सोने की खान जो है 3 से 4 किमी तक यानी गहराई के हैं। कितनी गहराई के 3 से 4 किलोमीटर की गहराई की ये खाने हैं। तो उतने गहराई से जब ये सोने की खाने हैं वहां से कुछ जो है चट्टान हमें जो प्राप्त हो रही है तो उससे भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। वही कुछ अन्य स्रोत भी हम देखें तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ज्वालामुखी की संवहनी यानी जो आग राख लावा मैग्मा पदार्थ होते हैं और ये दहते हुए ये पदार्थ जो है यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से दरारों के उधर से छिद्रों से जो ज्वालामुखी का बीवर कहलाता है उस बीवर से मुख से जब बाहर आते हैं और आकर के पृथ्वी के ऊपरी परत पर फैल जाते हैं तो उससे भी आंतरिक यह अन्य स्रोत जो होते हैं चट्टान उपलब्ध हो जाते हैं ऊपर और उससे भी यह प्राप्त जानकारियां सामने आती है कि ज्वालामुखी उद्गार से उद्गार भी प्रत्यक्ष जानकारी का एक स्रोत माना जाता है। प्रत्यक्ष स्रोत, तो प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष स्रोत में हम आपसे बात करेंगे कि पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातली चट्टाने हैं, यानी जो पृथ्वी से सबसे आसानी से जो उपलब्ध जो ठोस पदार्थ होती है वह धरातल की ऊपर की जो चट्टाने होती है वही होती है, अथवा हम यूं भी कहें कि वे चट्टाने हैं यानी चट्टाने हैं अथवा वे चट्टाने हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप में आप समझ सकते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं, इससे भी आप प्रत्यक्ष रूप से अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, लेकिन इतने गहराई तक जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं इसे आप समझ सकते हैं क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होगा, बहुत गहराई में तापमान जो है अधिक होगा। खनन के अतिरिक्त
वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत यानी खनन के अतिरिक्त जो वैज्ञानिक है विभिन्न तरह की परियोजनाओं के अंतर्गत भी यानी पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। यानी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वह खनन के अतिरिक्त और भी विभिन्न स्रोतों के द्वारा यानी पृथ्वी के परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्रोतों की स्थिति के बारे में जानने के लिए यानी प्रॉपर्टी के गहराई तक छानबीन कर रहे हैं अपना प्रयोग कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक यानी जो पूरे विश्व के वैज्ञानिक है संसार भर के जो वैज्ञानिक है यह दो मुख्य यानी संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। तो आप ये भी समझें कि यह संसार के जितने भी वैज्ञानिक है दो परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना यानी जो गहरे समुद्र में जो प्रवेधन करके और ये परियोजना चल रही है इस पर कार्य कर रहे हैं और वह समन्वित महासागरी प्रवेधन परियोजना और महासागरों में जो समन्वित गहरी यानी महासागरी प्रवेधन परियोजना चल रही है ये है। तो आप समझ सकते हैं कि आज तक सबसे गहरा प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। यानी सबसे यानी जो गहरा प्रवेधन है वह जो है यानी आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के यानी विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है कि ज्वालामुखी यानी बहुत सारे जो है प्रविधानों से जो है अप्रत्यक्ष यानी असाधारण जानकारियां प्राप्त हुई है और उसी के बाद जो है आपको मैं ले चल रहा हूँ ज्वालामुखी पर भी। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य और स्रोत है जबकि कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। यानी ज्वालामुखी का जो उद्गार जब होता है तो लावा कहाँ आता है पृथ्वी के धरातल पर आता है और यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है और उसका प्रयोगशालाओं में अन्वेषणों में उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा यानी जो पदार्थ है मैग्मा है कितनी गहराई से निकला है इसकी यानी जानना जो है निश्चय कर पाना जो है बहुत कठिन काम होता है।